हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आपका अंजलि एलपी में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज मैं ऐसे ही कुछ नई रेसिपी लेके आई हूं, वो भी हटके। आप इसको कुछ तीखा खाने का मन हो तब भी बना सकते हैं, आपको थोड़ा मीठा खाने का मन हो तब भी आप बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ रेसिपी लेके आई है, तो आप इसको बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। सुबह आपका नाश्ता नहीं अच्छा लगता तो आप ये रेसिपी जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसको रोज इसको बना के खाएंगे। तो मैं इसको दिखाती हूँ। ये उपमा जैसे दिखता है पर उससे भी ज्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही यम्मी है, आप भी खाएंगे तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अगर ये घर पे बनाएंगे तो। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज कर दीजिए, और लाइक तो बनता ही है वीडियो अच्छा लगे तो। तो देखते हैं वीडियो कैसा बना है। तो गाइज, आज हम लोग बहुत ही अलग रेसिपी बनाने जा रहे हैं सूजी के, बहुत ही टेस्टी। तो ये मैंने पैन लिया है सबसे पहले, तो पैन के अंदर दो स्पून हम लोग डाल देंगे तेल। तेल डालने के बाद में इसको अच्छे से हम लोग गरम कर लेंगे, और ये गरम होने के बाद में हल्का सा इसके अंदर एक चम्मच हम लोग डाल देंगे जीरा, और जीरे को अच्छे से तड़कने के बाद में इसके अंदर एक चम्मच हम लोग डालेंगे अदरक। अदरक को मैंने अच्छे से पीस लिया था, और ये मैंने कुछ सब्जियां काटी है। ये मैंने प्याज काटा है, शिमला मिर्च काटी है, और ये मैंने टमाटर काटा है। तो सभी को हम लोग अच्छे से, जब तक हम लोग का अदरक पक नहीं जाती तब तक हम लोग इसको अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद में हम लोग को इसके अंदर प्याज डालने हैं, और सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देनी है। तो इस तरीके से हम लोग सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देंगे। और ये सूजी का नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही यमी बनेगा, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी, तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारे मसालों को हम लोग मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा इन मसालों को सभी को अच्छे से पकाना है, जब तक इनका कलर नहीं आ जाता, ब्राउन कलर नहीं हो जाता इनका। तो इनको हम लोग ढक के पका देंगे 5 मिनट के लिए। इस तरीके से मैंने इसको ढक दिया है, तब इसको हम लोग 5 मिनट के बाद में निकाल के देखेंगे। तो सब्जी तो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने एक बाउल पानी डाल दिया है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से पका लेना है। इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, यहाँ नमक लिया है 1 चम्मच ही नमक लिया, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। और अब हम लोग लेंगे हल्दी। हल्दी मैंने कलर के लिए भी यूज़ किया, और बहुत अच्छी होती है हल्दी भी। तो देख सकते हैं हम लोग का जो इसके अंदर ऐड हो चुके सारे मसाले, तो हम इसको अच्छे से पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसको इतना टाइम तो लगेगा ही, आप इसके अंदर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो भी रख सकते हैं। अच्छे से हम लोग को बना लेना है, इनको अच्छे से पका लेना है। और जब तक हम लोग का पकता है तो हम लोग सूजी देख लेते हैं। ये है, मैंने एक बाउल सूजी लिया है, और ये सूजी मैंने अच्छे से पीस लिया है, आटे की तरह कर लिया है। तो इसको अब हम लोग मसाले के अंदर डाल देंगे, और ये मसाला देख सकते हैं एकदम अच्छे से हम लोग का तैयार हो चुका है। देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम आ चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया इसका। और इसको हम लोग एक साथ चलाते रहेंगे, हम लोग अगर रुक जाएंगे तो इसके लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको लम्स नहीं लाना है, आपको जल्दी जल्दी करना है, आपको बिल्कुल भी इसके अंदर हाथ से इसको नहीं चलाते रहना है, तो आप इसको सेक भी सकते हैं। यहाँ मैंने सेका नहीं है, इसलिए हम लोग को चलाते रहना है जिससे लम्स नहीं आए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसको करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे जब तक हम लोग का नाश्ता तैयार नहीं हो जाता। और ये उपमा से भी बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, इसके अंदर आप चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का जो नाश्ता है सूजी का, वो एकदम बनके तैयार हो चुका है बिना किसी झंझट के। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। कभी भी आपको भूख लगे तो आप ये नाश्ता ज़रूर खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो इसके अंदर हम लोग धनिया डाल देंगे, धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैंने इसको सर्व किया है, और सर्व करने के बाद मैंने इसके ऊपर घी भी डाला है, तो घी से भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो हमारे सिंपल तरीके से सूजी के नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको गाइस कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।